हेलो गाइस, आज मैच है आरसीबी और लखनऊ का। तो आरसीबी का चांस है कि जीतने की और लखनऊ भी चांस करेगा जीतने की। तो मैच होगा बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा। ओहो, मज़ा आ जाएगा आज के मैच में। तो टीम किस प्रकार बनानी है तो आप देख लो। केएल राहुल है, डीकॉक का पूरा मैंने ले लिया है और रावत मैंने हटा दिया, दिनेश कार्तिक मैंने हटा दिया। अगर आपको दिनेश कार्तिक लेना होगा तो क्या आप करोगे पता है? डीकॉक को हटा के दिनेश कार्तिक जरूर लीजिएगा, क्योंकि पूरन को जरूर लीजिएगा। पूरन अच्छा है, नीचे खेलेंगे। अगर थोड़ा संदेह होगा तो केएल राहुल को हटा के दिनेश कार्तिक पिक कर लीजिएगा, मगर मेरी टीम यही रहेगी आगे विकेट कीपर में। फिर विराट कोहली हो गए, डुप्लेसी हो गए, पादिकल नहीं लेंगे इस बार, पदिकल नहीं लेंगे। और इसके बाद यही दो हो गए। इसके बाद ऑलराउंडर में आ जाए तो स्टोनिस लगे, मैक्सवेल, ग्रीन ग्रीन को इस बार लेना है, क्योंकि अगली बार मैंने छोड़ दिया था तो अच्छे लिए थे। तो बॉलर में आ गया यार बिश्नोई, बिश्नोई चिन्ना स्वामी में बिश्नोई, क्या नहीं बिश्नोई को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो सिराज हो जाएगा, यश दयाल, यश दयाल, यश दयाल, यश दयाल, यश दयाल को पिक किया हूँ। ठीक है, आज बेंगलोर जीतेगी मैच। तो इनके एक बॉलर और डांगर को मैंने लेना लेना नहीं है, तो मोहसिन खान को मैं पिक करना चाहता हूँ। तो यही टीम होगी, जिसकी एक टीम ये है और दूसरी टीम आपको एडिट करके दिखा देते हैं। दूसरी टीम देख लीजिए, दूसरी टीम में क्या चेंजिंग करना है। तो आपको आवेश खान को हटा के रवि बिश्नोई को ले लेना है, और इधर क्या है केयर डीकॉक को हटा के दिनेश कार्तिक पिक कर देना। ये है दूसरी टीम, क्योंकि आरसीबी आज मैच जीतेगी। और जो मैं स्क्रीन में लगा के देता हूँ आपको टीम, ये टीम आप जरूर लिया करें, यही टीम है। मगर मैं टीम जाऊंगा केएल राहुल, डीकॉक, ये टीम मेरी परफेक्ट टीम मेरी यही है। अब जो टॉस हो जाएगी तो आप चेंज कर लीजिएगा। और आप ये कर सकते हैं बॉलर को सिराज, या सिराज को हटा के, सिराज के हटा के सिराजी रहेगा, यही टीम है।